ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 22 सितंबर की ईश्वर वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हमारी जो खुशी है वो कभी भी गुम ना हो। दुनिया वाले चाहते हैं कि खुशी कभी गुम ना हो, लेकिन इसको पाने का रहस्य क्या है? ये एक प्रोसेस है जो कि एक दिन में नहीं आता, लेकिन ये प्रोसेस है जिसमें कि हमें अपने अंदर चल रहे, हमारे माइंड के अंदर चल रहे जो एप्लीकेशन हैं, जो कि यूजलेस एप्लीकेशन जो हमने बचपन से सीखी हुई हैं। मैं अच्छा दिखने में नहीं हूँ, किसी ने कुछ बोल दिया कमेंट आपके क्लोज के ऊपर, बस पूरे दिन सैड। किसी ने अगर आपको बोल दिया कि अरे ये तो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, बचपन से सुनते हो तुम नालायक हो, तुम समझदार नहीं हो, तुम कुछ काम नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा बस ये सुन लिया और आपके फ्यूचर में आपके बॉस ने वही चीज़ आपको बोल दी एंड ट्रिगर हो गया अंदर, एंड आप उस दिन से आपका मूड ऑफ हो गया। आपने अपने डिसीजन लाइफ में चेंज कर लिए, मुझे बॉस पसंद नहीं है, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, मुझे फैमिली मेम्बर पसंद नहीं है, मुझे मेरा हस्बैंड पसंद नहीं है, मुझे मेरी वाइफ पसंद नहीं है, एंड वो छोटी सी चीज़ जिसने ट्रिगर कर दी वो बात, और ये ट्रिगर करने की वजह से हमारी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। मतलब कि वो जो एप्लीकेशन जो पीछे चल रही थी बैकग्राउंड में 10 साल पुरानी वाली, वो आकर के आपके मेमोरी में प्रेजेंट में काम करना शुरू कर देती है। हम मेडिटेशन में यही प्रेजेंट में आने नहीं देते हैं, और पीछे जो एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं, ये जो व्यर्थ एप्लीकेशंस, यूजलेस एप्लीकेशंस, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं और न्यू एप्लीकेशंस अपलोड करते हैं या न्यू ऐप्स अपलोड करते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ऐप्स अपलोड करते हैं ना, सेम वैसी होती हैं वो ऐप्स, लेकिन वो मेंटल और इमोशनल ऐप्स हैं। वो वाली ऐप्स होती हैं 01 की होती हैं, डिजिट्स की होती हैं, जिनको आप डिज़ाइन करते हैं, लेकिन ये जो है आप मेडिटेशन में अपने आप की ऐप्स डिज़ाइन करते हैं कि आपको अपने बारे में सोचना क्या है। तो देखें, परमात्मा कहते हैं, बाप कहते हैं कि बाप की छत्र छाया के नीचे, परमात्मा की छत्र छाया मतलब परमात्मा के दिए हुए गाइडेंस, परमात्मा हमारे बारे में क्या सोचते हैं, परमात्मा हमें कितना ऊंचा बनाते हैं, हमारे बारे में कितना ऊंचा सोचते हैं, वो कितना ऊंचा सोचते हैं, वही मैं अगर पूरे दिन अगर सोचता रहूं तो मुझे किसी की बात कभी चुभेगी नहीं, किसी सिचुएशन में मुझे कुछ हर्ट फील नहीं होगा, किसी सिचुएशन को भी मैं आराम से पार कर लूंगी आत्मा। तो मुझे सुप्रीम सॉफ्टवेयर के साथ में लिंक करना है, जो कि क्या है, मेरा एंटाई वायरस है, क्योंकि मैं आत्मा जो हूँ और आप आत्मा जो हैं, आपके अंदर वायरस घुसते रहते हैं दिन भर। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोल दिया, हमारे अंदर वायरस घुसता है, चाहे वो टीवी से घुसे, चाहे न्यूज़पेपर से घुसे, चाहे वो लैपटॉप से घुसे, या किसी भी चीज़ से, कोई भी प्रोग्राम देखते हुए, कोई भी चीज़ देखते हुए अगर कोई चीज़ घुस जाती है जो कि ट्रिगर करता है इमोशंस को, दैट मीन्स हमारे अंदर अभी भी वो एप्लीकेशंस हैं जिनको कि हमें क्वारंटाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो बाप की छत्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भवा। माया की छाया, माया क्या है, सैडनेस भी माया है, दुखी होना माया है, इरिटेट होना माया है, फ्रस्ट्रेट होना माया है, क्रोध में आना माया है, जेलसी होना माया है, अहंकार में आना माया है, ये सारी चीज़ें माया है। तो परमात्मा कहते हैं माया की छाया से बचने का साधन है, और ये सारी चीज़ें जब आती हैं इसका मतलब हम हैंग हो जाते हैं। जैसे सिस्टम आपका हैंग हो जाता है ना, एक ही प्रोग्राम में चलता रहता है, तो हमारा भी सिस्टम क्या होता है, हमारा मूड हैंग हो जाता है, एक ही मूड में चलता रहता है हमारा सिस्टम। तो वो मूड जो हो गया सैडनेस का मूड हो गया, दिन भर सैड फील कर रहे हैं, वही बात रिपीट कर रहे हैं, वही प्रोग्राम बार बार चल रहा है, बार बार चल रहा है बैकग्राउंड में, बार बार चल रहा है, मतलब वो प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया, वो एप्लीकेशन एक्टिवेट हो चुकी है बैकग्राउंड में। जैसे आपके विंडोज़ में होता है बैकग्राउंड, कितने सारे आपके प्रोग्राम चल रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, वैसे हमारे अंदर भी सॉफ्टवेयर चलने शुरू हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मूड ऑफ क्यों हो रहा है। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम उस समय सोचते हैं डीपली जाकर कि कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, जरा देखें ये मूड ऑफ कहाँ से आ रहा है हमारा, और मेडिटेशन ना करें तो फिर क्या होता है, वो एप्लीकेशन बार बार चलती हैं, बार बार चलती है, बार बार चलती है, और वो एक सेट हो जाती है। जैसे कि आप लैपटॉप को बूट करते हैं, आपके बूटिंग में ही वो चलनी शुरू होती हैं। आप सुबह उठे मूड ऑफ, रात को सोते समय मूड ऑफ, क्यों, आपने वो एप्लीकेशन को मेडिटेशन करके उसको ऑफ नहीं किया या उसको क्वारंटाइन नहीं किया आपने, इसलिए सैडनेस। तो परमात्मा कहते हैं माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। तो हमें सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम सॉफ्टवेयर, आप उनको सुप्रीम सॉफ्टवेयर बोलो, सुप्रीम क्रिएटर बोलो, या गॉड फादर बोलो, या अल्लाह बोलो, या आप उनको मेटाफिजिकल एनर्जी बोलो, या क्वांटम फील्ड बोलो, या सोर्स एनर्जी बोलो, जो कहना चाहते हो आप उनको, आप उनसे कनेक्ट होंगे, उनकी भाषा समझेंगे, उनके सॉफ्टवेयर को समझेंगे, मतलब माइंड और इंटेलेक्ट कैसे चलता है उनका, क्या सोचते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को अपने अंदर डाउनलोड करना है। तो परमात्मा कहते हैं छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना, सब फिक्र बाप को दे दिया, जिनकी खुशी गुम होती है। अब क्यों होती है, कमज़ोर हो जाते हैं उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है। अभी कमज़ोरी क्या होती है, कमज़ोरी मतलब कि हमने अपने अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी एप्लीकेशंस लोड करी हैं जो कि हमारे सिस्टम को हैंग करती हैं। अपने बारे में हम क्या सोचते हैं, लोगों ने कुछ हमारे बारे में कई साल पहले बोला, किसी ने हमें कल कुछ बोल दिया रास्ते में चलते हुए,
और वो चीज़ ने हमें ट्रिगर कर दी और हमने अपने आप को उस चीज़ से रिलेट करना शुरू कर, क्या मैं ऐसे हूँ सच्ची में, क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, क्या मैंने ऐसे काम किए हैं, क्या मैं ऐसे काम करने लायक हूँ, ये चीज़ें सोचना अपने बारे में। या अपने बारे में अगर फिज़िकली अगर हम दिखने में अच्छे नहीं हैं या फिज़िकल फीचर्स अच्छे नहीं हैं, किसी ने थोड़ा सा कमेंट कर दिया आपके लुक्स के ऊपर, दिन भर उसके बारे में सोचना, मतलब वो एप्लीकेशन हैंग हो जाती है और चलती रहती है चलती रहती है, आप उसको डिलीट भी नहीं कर पाते हो। या फाइनेंशियली किसी ने आपको कमेंट कर दिया किसी चीज़ के ऊपर, या आपके सर्टिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर आपको कमेंट कर दिया कि तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, तुमने इतना काम नहीं किया, तुम और क्या कर सकते हो, तुम किसी लायक नहीं हो, ये कमेंट्स आपको ट्रिगर कर देते हैं और आपके अंदर वो एप्लीकेशंस को अपलोड कर देते हैं या वो बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में ले आते हैं। तो फोरग्राउंड में लाने से वो एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं और आप अपना फोकस भी नहीं कर पाते हो काम के ऊपर, आप ठीक से किसी से बात भी नहीं कर पाते हो, मूड भी आपको ऑफ रहता है। ये चीज़ों को हटाएं कैसे, उसके लिए आप मेडिटेशन सीखते हैं। तो कमज़ोर हो जाते हैं उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है, क्योंकि कमज़ोरी माया का आवाहन करती है। ये जो पिछले एप्लीकेशंस हैं जो कि डाउनलोडेड हैं ऑलरेडी हमारे अंदर है, हमने उनको बार 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 खोला है उन फाइल्स को, उनको रन किया है, हम बहुत बारी बार बार रन करते रहते हैं वो प्रोग्राम फाइल्स को, हम रन करते रहते हैं, किसी ने कुछ कमेंट बोला हमने उसको रन करना शुरू कर दिया, रन करना शुरू कर, पूरे दिन भर रन कर शुरू किया, ऑटोमेटिकली वो हमारे संस्कार में बैठ जाता है। और एक वो बैठता कैसे, फीलिंग्स के साथ में बैठता है। जब तक फीलिंग्स ना हो, आपको रास्ते में कोई चिल्ला के चले जाए, आपको फीलिंग्स नहीं आएंगी, बिकॉज उस व्यक्ति से आपको कुछ संबंध नहीं था, आप भूल जाओगे उसको। लेकिन कोई अपना नज़दीकी व्यक्ति आपके बारे में कुछ कहते हैं, आप उसको बार बार रन करोगे और आप बार बार रन करोगे, बार बार रन करोगे, उसको भी बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्योंकि आपने उसको अपना मान लिया। लेकिन जो रस्ते में चलता व्यक्ति था उसको आप भूल गए, क्योंकि कोई संबंध नहीं ना आपका उसके साथ में। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं ये मेडिटेशन से आपको क्या करना है, अपने सारे संबंध जो है उनको न्यूट्रलाइज करना है आपको, ताकि आपको किसी का भी असर ना पड़े। और किसके साथ संबंध जोड़ना है, सुप्रीम सॉफ्टवेयर के साथ में, वो जो आपके अंदर डाउनलोड करे वो इंपॉर्टेंट है। लोग जो डाउनलोड करना चाहे ज़बरदस्ती वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परमात्मा गॉडफादर जो डाउनलोड करना चाहे वो इम्पोर्टेंट है। फिर परमात्मा कहते हैं अगर स्वप्न में भी माया की छाया पर पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे। सुबह आपने किसी से लड़ाई करी, रात को आप सोए, आपको ड्रीम्स में भी आ रहा है कि आप उसको, वो आपको ऐसे बोल रहा है, आप उसको ऐसे बोल रहे हो, उसने ऐसा जवाब दिया, आपने ये जवाब दिया, रात भर आपकी नींद भी उड़ गई और दिन भर आपका मूड भी ऑफ रह गया। तो आपने रेस्ट कब किया, आप अपने माइंड और इंटेलेक्ट को रेस्ट कब दिया, आपने अपनी बॉडी को हील कब किया। तो अगर आप बीटा स्टेज में ही हो, बीटा स्टेज मतलब कि कॉन्शियसनेस आप अवेक हो, बॉडी सिर्फ सोई हुई है लेकिन आप अवेक हो अंदर, अगर आप गामा या डेल्टा स्टेज तक नहीं पहुंचते हो स्लीप के, मतलब बहुत कम थॉट्स, दैट मीन्स आप अपनी बॉडी को हील नहीं कर सकते, आपकी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, फिर परमात्मा कहते हैं अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। रात को सोते हुए भी युद्ध चल रही है अंदर, सुबह भी युद्ध चल रही है, उसने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों कर दिया, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। इसलिए सदा बाप की छतर छाया में रहो कि परमात्मा मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरे बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे अंदर क्या एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के लिए बोला है हर दिन मेडिटेशन में और हम जो स्पिरिचुअल क्लास लेते हैं उसमें। याद ही छत्र छाया है, उनकी बातें याद करना, उनको याद करना ही क्या है, सेल्फ प्रोटेक्शन है, क्वारंटाइन है, एंटीवायरस है, आप जो भी कहना चाहें इसको। और ये एंटीवायरस आपको मिलता है ब्रह्म कुमारीज में, आप भी जा करके इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। इसके साथ ओम शांति।